Asma Beauty Parlor and Institute. First time in Mumbra Multi-Speciality Beauty Parlor and Institute. Mumbra का सबसे बड़ा beauty parlor जहां आपको professional और certified beautician द्वारा hair and skin treatment provide की जाएगी. Asma Beauty Parlor and Institute. Special offer, buy one get one service free. Rush! Admission started for beautician and makeup artist courses at Asma Beauty Parlor and Institute, जो कि professional certified training institute है. Mehndi classes are also available. भाई इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स. मुंब्रा रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ की इंस्पेक्टर राजश्री आहिर की दबंगई कल शाम करीब 6 बजे के आसपास देखने को मिली है. जब एम गेट के बिल्कुल लगकर जो लोहे की बैरिकेड लगी हुई है वहीं पर शैलेश नगर के अयूब शेख अपनी बीवी और बेटी का आने का इंतजार कर रहे थे क्योंकि इन्हें मेडिकल के लिए जाना था. मगर तभी मुंब्रा आरपीएफ की इंस्पेक्टर राजश्री आहिर वहां बिना यूनिफॉर्म के सिविल ड्रेस में पहुंचती हैं और पूछती है कि वो यहां पर क्यों खड़े हैं. अयूब शेख ने जवाब भी दिया कि वो अपने परिवार का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें मेडिकल के लिए जाना है. मगर इसके बावजूद राजश्री आहिर ने उसे एम गेट के बाहर खड़े रहने को कहा. अयूब शेख ने कहा कि परिवार के लोग आ रहे हैं, मैं लेकर परिवार को चला जाऊंगा. मगर उसके बावजूद भी आरपीएफ इंस्पेक्टर राजश्री आहिर उसे थाने लेकर चली गई. अब जरा सोचिए कि मुंब्रा रेलवे स्टेशन के बाहर क्या कोई व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता है? क्या कोई अपने परिवार के आने का इंतजार रेलवे स्टेशन के बाहर परिसर में खड़ा होकर नहीं कर सकता है? क्या रेलवे स्टेशन के बाहर एम गेट के अंदर खड़ा होना किसी तरह का गुनाह है या जुर्म है? ये सबसे बड़ा सवाल अब खड़ा हो रहा है. मगर वही राजश्री आहिर ने दबंगई दिखाते हुए अयूब शेख पर मामला भी दर्ज कर दिया है. परिवार के लोग, बेटी और पत्नी भी मेडिकल के सभी कागजात लेकर जब वहां पहुंचे उसके बाद भी परिवार के लोगों से राजश्री आहिर की बहस हो गई. परिवार के लोग यानी कि अयूब शेख की पत्नी और उनकी बेटी भी जो मेडिकल कराने के लिए जा रहे थे वो लोग भी जब वहां पहुंचे तो राजश्री आहिर से परिवार के लोगों की भी बहस हो गई. इस दौरान परिवार के लोगों ने क्या कुछ आरोप लगाया है वो भी आप सुनिए और इसके बाद हम आपको सुनाएंगे कि मुंब्रा आरपीएफ के इंस्पेक्टर राजश्री आहिर ने भी क्या कहा है वो भी सुनाएंगे. लेकिन सबसे पहले परिवार ने क्या कहा है वो सुनिए. मेरे पापा ना दीवा से दुकान से आए थे उनकी और हम लोग ना सोनोग्राफी की रिपोर्ट लेके जैन डॉक्टर के पास सोनोग्राफी की रिपोर्ट दिखाने जा रहे थे. हाँ. तो डैडी इधर मुंब्रा में एम गेट के पास आके खड़े थे तो हम लोग को बोले कि तुम, हम लोग बोले उनको कि आप वेट करो, हम लोग आ रहे हैं अभी रिक्शा में, कौसा से निकले थे. हाँ. तो डैडी यहाँ पे एम गेट के पास खड़े थे. हाँ. तो उतने में एक लेडीज है, उन्होंने मतलब ऑफिसर. हाँ. उनको वहाँ पे खड़े थे तो लेकर गए. हाँ. तो डैडी ने हम लोग को फोन करके बोले. हाँ. कि बोले ऐसा ऐसा मुझे लेकर गए. तो मैं बोली चलो ठीक है हम लोग आ रहे. तो हम लोग यहाँ पे आके बोले कि मैम हम लोग को हॉस्पिटल जाना है, अगर ये बिना मास्क के खड़े जो भी मतलब एक्स वाई जेड है तो आप उसकी फाइन जो भी है हम लोग पे करने के लिए तैयार है, आप थोड़ा सा मतलब इनको छोड़ दो क्योंकि हम लोग को ये हम लोग की ये सोनोग्राफी की वेलकेयर की रिपोर्ट है मेरे पास. हाँ. हम लोग को डॉक्टर के पास जाना था. हाँ. तो मतलब मुझे बोलने लगे, बोले ये तुम्हारा बात करने का तरीका मुझे पसंद नहीं आया क्योंकि तुम्हारे सर पे रिंकल्स आ रहा बात करने के टाइम पे. अच्छा. तो मुझे रिंकल्स पसंद नहीं है बोले. अच्छा. तो मैं बोली मैम अभी मेरे फेस पे रिंकल्स आ रहा है ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है ना, मेरा तो फेस ही ऐसा, अभी मैं क्या करूं. हाँ. तो उस वजह से मुझे बोले कि नहीं, बोले मैं तुमको अरेस्ट कर रही हूँ बोले इस बात पर. अच्छा. तो मैं बोली मैं तो बाहर निकल गई, फिर मम्मी यहाँ खड़े थे क्योंकि मेरे मोबाइल में वो जो बात कर रहे थे ना वो रिकॉर्डिंग थी, वीडियो बन रही थी. हाँ. तो एक्चुअली उनको मेरे मोबाइल की वीडियो डिलीट मारनी थी. हाँ. तो उस वजह से वो मेरे पीछे भाग रहे थे मतलब मेरे मुझसे मोबाइल छीनने के लिए. तो मैं मेरी बेबी को लेकर बाहर चली गई थी, फिर मम्मी इधर थे तो उन्होंने मम्मी को ले जाके अंदर बिठा दिए. और फिर मम्मी को अंदर क्या हुआ कैसी बात कर रहे थे, पापा से, पापा को भी बोलते बोले आज मैं तेरे को फांसी पे चढ़ा दूंगी, आज मैं तेरा मर्डर करवा दूंगी बोले. हाँ. मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है बोले ऐसे वैसे, मतलब कि हमारी कोई उनसे पर्सनल दुश्मनी नहीं है लेकिन वो पर्सनली ऐसे सवाल कर रहे थे. अच्छा. कि मैं तुम्हारा मर्डर करवा दूंगी, ये कर दूंगी. हम लोग हालांकि जो भी फाइन है हम लोग पे करने के लिए तैयार है, हम लोग मना नहीं कर रहे. खाली मेरी ये गलती है कि मैंने उनसे ये पूछी कि डैडी बिना मास्क के थे या कुछ सिगरेट वगैरह पी रहे थे या मतलब ऐसे क्या कर रहे थे कि हम लोग जिसकी फाइन, क्योंकि हम लोग अगर फाइन पे करें तो वो चीज़ हमको मालूम होनी चाहिए ना कि हम लोग ये फाइन किसकी पे कर रहे. तो उनको ये मेरी बात बुरी लग गई.
अच्छा ये बताइए कि आपके डैडी को यहाँ से, आपके पिताजी अयुब शेख नाम है उनका, तो उन्हें कितने बजे यहाँ पर अंदर लाया गया, कितना वक्त हो गया आप लोग? 6 बजे हम लोगों ने, 4 घंटे हो गए यहाँ पे खड़े रह के, 6 बजे हम लोग यहाँ पे आए। एक्चुअली मैंने उनको जब बोला ना कि मुझे मतलब डॉक्टर के पास जाना है, तो इसीलिए उन्होंने मतलब इतना लेट कर दिया कि देखो अब तो डॉक्टर भी चला गया मेरा, इसलिए उन्होंने इतना लेट कर दिया, अपॉइंटमेंट भी गया मेरा। मैंने उनको आते बराबर यही सवाल किया था, मैम मुझे डॉक्टर के पास जाना है, आप देखो मेरी रिपोर्ट में झूठ नहीं बोल रही हूँ, अब जो भी फाइन है आप ले लो, मेरे डैडी को जाने दो, क्योंकि डैडी को, ये बच्ची को डैडी के पास छोड़ के जाना था और मम्मी को और मुझे डॉक्टर के पास जाना था। कि बिगर मास्क के थे, जो कुछ भी था सवाल, तो आपको फाइन लेके छोड़ना था। नहीं, मास्क तो उन्होंने पहना हुआ था ना, मतलब गलती कोई नहीं थी, खाली उन्होंने यही बोला कि मेरी फैमिली आ रही है करके, मैं मतलब उनका यहाँ टाइम इंतजार कर रहा हूँ। इंतजार कर रहे थे अपने एम गेट के बाहर, एम गेट के अंदर भी नहीं थे, स्टेशन के एरिया में नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे, बिल्कुल भी वहाँ नहीं थे, बाहर थे। और मैडम बिगर मास्क के खुद घूम रहे हैं और दूसरों को पकड़ पकड़ के 500 रुपए की फाइन मतलब ले रहे हैं, किसी ने भी मास्क नहीं लिया है, और दूसरा मतलब पब्लिक को तुम वो कर रहे, हैरान कर रहे हैं, अंदर खड़े रह के ले रहे, अंदर खड़े रह के बोले तेरे को आज फांसी दे दूंगी मैं, तेरा आज मैं मर्डर कर दूंगी, मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है, तू माफी मांगेगा तो माफी नहीं मिलेगी मुझे, तुझे सॉरी बोलेगा तो तेरी सॉरी मैं लूंगी नहीं, इतनी मतलब वो बात कर रहे ना एकदम, क्या परेशान कर दिया हम लोग को। आज 5 घंटे का टाइम होने आया, 10 बजे अभी अंदर लेकर गए उनको, तो क्या कहा गया आप लोगों से छोड़ने के लिए? हमारे से बात ही नहीं कर रहे, बस वो हमारे पे चढ़ाई मार रहे कि तुमको अंदर, मेरे को भी है ना आधा घंटा उन्होंने अंदर बिठा दिए बिगर कसूर का, खाली यही पूछ रहे हैं हम कि इनको कौन सी बात में लाए, जो फाइन है हम भरने के लिए तैयार है, हमको हॉस्पिटल जाना है, हमको जल्दी से जल्दी, कल संडे हमको डॉक्टर नहीं मिलेगा। वही मुंब्रा आरपीएफ की इंस्पेक्टर राजश्री आहिर का कहना है कि चेन स्नेचिंग चोरी की वारदात लगातार बढ़ रही है, इसलिए बाहर खड़े रहने को इनसे कहा गया, मगर इन्होंने बहस कर लिया। और आरपीएफ का ये भी कहना है कि किसी के चेहरे पर लिखा नहीं रहता है कि कौन चोर है, मगर जब अयूब शेख ने बता दिया था कि वो अपने परिवार के लोगों का इंतजार कर रहे हैं, और परिवार के लोग भी जब वहाँ पहुँचे और उनके साथ में जो मेडिकल के कागजात थे वो भी मौजूद थे, ये सब देखने के बावजूद भी मैडम को ये समझ में नहीं आया कि कौन चोर है और कौन आम आदमी है, और अयूब शेख पर डराने धमकाने का आरोप लगाकर मामला भी दर्ज कर दिया गया है। बहरहाल इस पूरे मामले पर राष्ट्रीय आहिर ने भी क्या अपना पक्ष रखा है वो भी सुनिए। मैडम क्या मामला हुआ है जिसकी आपने गिरफ्तारी की है, क्या ऐसा मामला हुआ था? राम के लिए मैं निकली थी, साथ में मेरा अधीनस्थ सब इंस्पेक्टर था जो वर्दी में था, जैसे कि हमेशा की तरह यहाँ पर चोरी रॉबरी वगैरह तो होती रहती है, तो ये मकसद होता है कि स्टेशन से लेकर एम गेट तक लोगों को मूवमेंट में रखना जरूरी, कोई भी ऐसे स्टेबल नहीं रहेगा एक जगह पर। तो जैसे कि राउंड पर चली गई मैं, स्टाफ भी था, रिक्शा वालों को हटाए कि जैसे बैठे चली आप, फिरते रहिए, यहाँ पर आपको खड़े नहीं रहना। कुछ लोग खड़े थे, एक टीम का ग्रुप था, एक आदमी अकेला खड़ा था, टीम का ग्रुप था, मैंने कहा क्या है चलिए आप, बोले ठीक है मैडम, चले गए बाहर गए। मेरे साथ स्टाफ भी था, दोस्त आ रहे थे उसके, तो भाई सब इंस्पेक्टर था वो, एक यहाँ पर एक बंदा बाहर का खड़ा था, मतलब पता नहीं, मैंने कहा आप भी चलिए, उनको लगा मैं आपका क्यों सुनूं, मैं क्यों हटूं, उसने बोला कि भाई मेरा मास्क है सब कुछ है मैं क्यों हटूं, मैंने कहा भाई आप ये चले गए हैं तो आपको भी जाना है, मैं इधर ही जीवन बाग में रहता हूं, हम हमेशा आते हैं यहाँ पर, हम ऐसे ही करेंगे, मेरे गुनाह क्या है बताओ, मैंने कहा आपका क्या है, क्या कायदे में बैठ रहे हो आप, ऑफिस में चलो, वहां पर मतलब इतने सारे लोग देख रहे हैं और मुझसे वो हुज्जत करने लगा, आप ऑफिस में चलो फिर बाद में आपका एक्ट नहीं। उनके परिवार का कहना है मैडम कि वो अपने परिवार का इंतजार कर रहे थे, इसलिए वो वहाँ जो है रेलवे के उसमें खड़े थे, तो क्या रेलवे के इसमें खड़े होना क्या गुनाह है, कोई अपने परिवार का इंतजार नहीं कर सकता खड़ा होकर? वो बात नहीं है, रेलवे परिसर एम गेट से स्टार्ट होता है, एम गेट से रेलवे परिसर स्टार्ट होता है, रेलवे परिसर का जो भी प्रीमाइसेस बना है उसमें मूव करना है आपको, ना कि आपको परिवार के लिए खड़े रहने के लिए वो वेटिंग प्लेस बना है, क्योंकि एक खड़ा हो गया, दूसरा खड़ा हो गया, तीसरा खड़ा हो गया, अब इसमें खड़ा ना रखने का एक ही मकसद होता है कि ऐसा तो कुछ नहीं कि ट्रेन आएगी, यहाँ पर मोस्ट ऑफ कैसे होता है ट्रेन आई देखा स्नैच किया भाग गया, तो जैसे कि मैं ऑन ड्यूटी थी तो मैंने अपना काम किया कि मूवमेंट में करूँ, फिर वो अपने किसी के लिए रुका है क्या रुका है बाहर, प्रीमाइसिस में आने का ही
लेकिन उस दौरान उन्होंने बताया था आपसे कि वो अपने परिवार का इंतजार कर रहे हैं। परिवार का इंतजार कोई तो आने वाला था ऐसे, मैं कहा फिर आप बाहर खड़े रहो, एम गेट के बाहर खड़े रहो, जस्ट 10 फीट होगा, 10 फीट का ही होगा ये स्पेस, अब खाली करो। फिर मैं अपना चली गई, आने के बाद लगभग 45 मिनट्स के बाद मैं आई ऑफिस में, आई तो वो जो जिनको पकड़ा था जो आप बता रहे वो जोर जोर से बोलने लगे, क्या किया है मैंने, क्या है ना, मुझे ये बोलने लगे, आते ही करने लगे। उनके साथ उनकी शायद 2 लेडीज थी, बाद में पता चला एक बेटी थी जो काला बुर्का पहने हुई थी, धमकाने की बात करने लगी, क्यों पकड़ा, क्या है, अरे भाई शांति से रहो, पहले क्या हुआ मैटर वो तो समझो, आप आपने पकड़ा ही क्यों, आप क्या, मैं ऐसे ही हूँ, भाई आवाज धीरे से बात करो, आप मेरे ही ऑफिस में आकर मुझसे ऐसे कैसे कर सकते हो, हम ऐसा कर सकते तो मैं ऐसे क्या, मैं देखती हूँ, और मेरा रिकॉर्डिंग निकालने लगे, बिना मतलब रिकॉर्डिंग निकालने लगे। तो कहा तक ठीक है, मतलब ये है कि आप गलत करो, मैं कुछ चीजें ठीक है जैसे मैं निकालने चाह रही, तो आप भी हो उसमें, आप किस लिए आए हो मुझे नहीं पता, मैंने अपना काम परफेक्ट किया, आपको मेरे खिलाफ कुछ है तो आप बताइए, कंप्लेन कीजिएगा, अब बताइएगा, वो आने के बाद मुझे धमका रहे हैं, मेरे स्टाफ के सामने मेरी बेइज्जती भी कर रहे हैं, और रिकॉर्डिंग भी चल रहा है, फिर बोल रहे तुम बहुत अन्याय कर रहे हो, तुम मुझे फांसी पर लगा दो, बाद में बोले मैडम माफ कर दो, फिर से बोले ये नहीं हो जाएगा, तुम्हारा भगवान तुमको माफ नहीं करेगा, तुम्हारा भगवान तुमको बद्दुआ देगा, ये क्या है, आप गुनाह करो मत करो, क्या है जरा साइलेंटली नहीं कर सकते, मतलब आप धमका रहे हो, मतलब लेडीज है ये जानकर के हमारा क्या करेगी, अच्छा ठीक है, और अधिकारी को तुम दबा रहे हो, मतलब पुलिस को दबा रहे हो, ये मतलब है, ठीक है अगर मैं वहां पर नहीं जाऊंगी कल यही रॉबरी और तुम्हारा चोरी हो गई तो उसका जिम्मेदार कौन है। मैम आप बार बार रॉबरी चोरी स्नैचिंग की बात कर रही है, ठीक है लॉ एंड ऑर्डर और रेलवे प्रीमाइसेस में वो आपका कर्तव्य है, उसी लिए आप सीनियर पीआई है यहाँ पर, लेकिन इस मामले से आप विशेष उन बातों को क्यों जोड़ रही है, क्या बात है। बात ये है कि कौन किस रूप में यहाँ पर खड़ा रहता है ये हम आप नहीं जान सकते, हमारी पुलिस की नजर है, मैं राउंड पर गई थी, मुझे जो दिखा जो मुझे अच्छा नहीं लगा, और ये मूवमेंट वाला एरिया है, स्टेबल और कबूतर को दाने खिलाने वाला एरिया नहीं है, तो कौन है क्या है ये नहीं, पुलिस की नजर ये जानती कि आप स्टेबल नहीं रह सकते, आप मूवमेंट कीजिए, आप हिलते रहिए, और बकाए अब जब अधिकारी विद स्टाफ आ रहे हैं और बाहर का आदमी सुन भी नहीं रहा है, इसका मतलब हमको आप दबा रहे हो, बाकी के सुन रहे हैं, बाकी के बोले ठीक है मैडम हम जा रहे हैं, बाहर जाके वहां पर वेट किए, तो इनको क्या अलग अपना ये था प्रॉब्लम था, तो आप बताते बराबर थे, आप हमसे हमारे कार्य में बाधा नहीं उत्पन्न कर सकते, आप हमको चिल्ला रहे हो, तो स्पॉट चिल्ला रहे हो, थोड़ा पब्लिक देख रही है, क्या जान रहे हैं आप, क्या बोलना क्या चाह रहे हो, ये मैं कह रही हूँ चोरी रॉबरी। आपने उनकी जैसे बुरखे वाली अपनी लेडी जैसे कहा, आपने उनको ये भी कहा कि आपके सर पे रिंकल्स है जिसकी वजह से मुझे बुरा लग रहा है और मैं उसके ऊपर भी केस बनवा, नहीं नहीं ये चीज आपने कहा बिल्कुल गलत है, उनका सिर्फ चेहरा मतलब आंखें दिख रही थी, और मुझे ऐसे सिल्वर टेर आकर बोल रहे तुमने ऐसे क्यों पकड़ा, क्या किया, तो आराम से बात करो, आप इतना एटीट्यूड से क्यों बात कर रहे हो, अगर उनको किसी की बात बोलने की तो मैडम क्या किया, बात क्या हुआ, क्या नॉर्मली बात है, वो मुझे धमका रहे थे, और वो मैं उनकी फेसिंग नहीं रीड कर सकती, उनकी आईज रीड थी क्योंकि उन पर बुरखा था, और ऐसा बोलकर गई कि जैसे कि बस मारना ही मुझे बाकी था, और चली गई, धमका कर जाएगा मतलब हम लोग दबकर रहेंगे, मतलब काम ही नहीं होगा इससे, तो मैडम एक लेडीज हूँ इसलिए परेशान किया जा रहा है क्या मुझे, मैं लेडीज हूँ अच्छा काम कर रही हूँ ये आप लोग ही मुझे बता रहे हैं, इसके लिए आपको मुझे मोटिवेट करना चाहिए या एक आदमी गलत कर रहा है, वो यहाँ पर बोल रहा है तुम्हारा भगवान तुम्हें नहीं, देखिए हम लोग आपको गलत नहीं बोल रहे, जो बात है वो हमारा काम है उनसे भी पूछना आपसे भी पूछना, हम आपको गलत नहीं बोल रहे, बहरहाल जिस व्यक्ति को पकड़ा गया है उसके ऊपर आप किस तरह की कार्रवाई कर रही है, क्या गुनाह दाखिल कर रही है। मेरे ऑफिस में आकर उनके परिवार द्वारा मुझे धमकाया गया, मेरे स्टाफ के सामने मेरी बेइज्जती की, मेरे कार्य में बाधा उत्पन्न किया, और मतलब यहाँ पर आकर मतलब रेलवे प्रीमाइसेस में कोई भी आएगा फिर ठीक है, मतलब व्हिच सेक्शंस वी अप्लाई इन दिस 145B 146 147 रेलवे। बहरहाल जिस तरह से अब ये मामला सामने आया है कि मुमरा रेलवे स्टेशन के बाहर का जो रेलवे का परिसर है एम गेट के अंदर, वहां खड़ा रहना भी अब सुरक्षित नहीं है, यानी अगर आप वहां पर खड़े हैं तो इस तरह के मामले आपके ऊपर दर्ज हो सकते हैं। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।